जैसे सही प्रेप के साथ इनकी लाइफ सेट हो गई, आपकी भी वैसी हो सकती है। अवेल लाइव क्लासेस एंड डेली स्टडी प्लान्स, एक्सपर्ट फैकल्टी, बेस्ट स्टडी मटेरियल फ्रॉम ग्रेड अप टुडे एंड गेट अ स्टेप क्लोजर टू अचीविंग योर ड्रीम्स। क्योंकि ग्रेड अप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। We aspired, we prepared, we scored and soared. 10 plus students from grade up scored under top 10 in KATE 2021. Let's take a look at them. जैसे सही प्रेप के साथ इनकी लाइफ सेट हो गई, आपकी भी वैसी हो सकती है। अवेल लाइव क्लासेस एंड डेली स्टडी प्लान्स, एक्सपर्ट फैकल्टी, बेस्ट स्टडी मटेरियल फ्रॉम ग्रेड अप टुडे एंड गेट अ स्टेप क्लोजर टू अचीविंग योर ड्रीम्स। क्योंकि ग्रेड अप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। वी एस्पायर। Hello friends, I welcome you all on India's largest and number one e-learning educational platform that is GradeUp. दोस्तों स्वागत है आपका GradeUp के Impulse channel पर, जहां हम electrical और electronics students के exam से जुड़ी हर एक जरूरी बात करते हैं। और दोस्तों स्वागत है आपका civil champions GradeUp के YouTube channel पर, जहां हम civil engineers के exam से जुड़ी हर एक जरूरी बात करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों स्वागत है आपका mechanical marvels पे, जहां हम mechanical engineering के exam से जुड़ी हर एक ज़रूरी बात करते हैं। और साथ ही साथ मैं अपने सारे दोस्तों को वेलकम करना चाहता हूं जो मुझे ग्रेडअप ऐप पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यस, अनन्य, एमएएस, जूली, सी दीप, काव्या, एवरीबडी वेलकम टू द सेशन। एवरीबडी हु इज जॉइनिंग मी लाइव, जस्ट क्विकली कंफर्म योर प्रेजेंस इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी वेदर माई ऑडियो विजुअल क्वालिटी एवरीथिंग इज क्लियर। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इम्पल्स पे अबिद, रईन, अभिषेक, सौगुथा, हाउ आर यू, वेलकम टू द सेशन। गुड डे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू द सेशन। नमस्कार विक्रम जी, हाउ आर यू। सिविल चैंपियंस पे राहुल कुमार, रीति सिंह, एवरीबडी वेलकम टू द सेशन, हाउ आर यू। ऑल द कैंडिडेट्स फॉर ज्वाइनिंग मी, जस्ट क्विकली कंफर्म योर प्रेजेंस इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी वेदर माई ऑडियो विजुअल क्वालिटी एवरीथिंग इज क्लियर, सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द सेशन। एंड पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग मी स्लोली ऑन मैकेनिकल मार्वल्स। Everything is clear, all fine. Okay. So let me just start with the session. All the candidates who are joining me on various YouTube channels of the GradeUp, just quickly hit the like button, like, share and subscribe this session. If you like the session, just hit the like button. If you find it extraordinary, do share it with your friends and colleagues so that more and more people can be benefited. And do not forget to subscribe to the various channels, that is Impulse, Mechanical Marvels, Civil Champions, so that you get all the latest notifications for your favorite faculties and you do not miss any of your favorite faculties class. Yes, Ananya, definitely you can start. Even before BTech also you can start with your non-tech, okay? तो दोस्तों जल्दी से समझ लेते हैं, लास्ट सेशन में हमने क्या किया था। लास्ट सेशन में हम फिलॉसफर्स और थिंकर्स को जस्ट हमने स्टार्ट किया था, और हमने F.W. टेलर, फेडरो विल्सन टेलर के बारे में, हमने फ्रेडरिक विल्सो टेलर के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था। आज हम उसी के आगे बातचीत करेंगे। पहले हम कुछ वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में बातचीत करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद फिर हम इंडियन थिंकर्स की तरफ आएंगे। जल्दी से सेशन को शुरू से करने से पहले समझ लेते हैं विजन 2022 कोर्स के बारे में, जो कि ग्रेडअप के गेट प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा कोर्स है। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स कम्प्लीटली कवर कराए जाते हैं। 850 घंटे की लाइव क्लासेज, 8000 से ज़्यादा गुड क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन, 100 प्लस मॉक टेस्ट, 120 प्लस चैप्टर वाइज स्टडी नोट्स। कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी पूरी मदद की जाएगी। 9650052904। ग्रेडअप सुपर के साथ आपको मिलेगा फ्री इंटरनेट, 30 अप्रैल तक ये ऑफर है आपके पास, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। अनन्य बिल्कुल उसमें आएंगे, पहले सेशन की बात करते हैं, ठीक है? पहले थोड़ा सेशन की बात करते हैं, फिर बाद में मैं डिस्कस करूँगा। तो जल्दी से जितने भी लोग YouTube के डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ग्रेडअप प्लेटफॉर्म के, जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, फिर हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों इंडियन फिलॉसफर्स और थिंकर्स की जब हम बात करेंगे तो जो सबसे पहला नाम आता है, इसमें क्रोनोलॉजी नहीं है,
इसमें कोई सीनियोरिटी नहीं है, कोई जीनियोरिटी नहीं है। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जिनके बिना एथिक्स की बात करना, और स्पेशली तब जब हम फिलॉसफी की बात करें, बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले हम जो हमारे वेस्टर्न फिलॉसफर्स हैं उनको हम करेंगे, और उसके बाद हम दोबारा वापस आएंगे, इंडियन फिलॉसफर्स को डिस्कस करेंगे अगर टाइम बचेगा। बट सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वेस्टर्न फिलॉसफर से। जल्दी से मैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन आपको दे देता हूँ। सीदीप, डेफिनेटली पहले हम वेस्टर्न थिंकर्स फिलॉसफर्स को ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही हम इंडियन फिलॉसफर्स की तरफ बढ़ेंगे। कल हमने शुरुआत करी थी एफ डब्ल्यू टेलर से। इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने बहुत ही ब्रीफ में समझने की कोशिश करी थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल पर वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये कॉन्सेप्ट किस थिंकर का है। तो आपको ये रटने की कतई भी ज़रूरत नहीं है कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ना तो आपको आईएएस का एग्ज़ाम देना है, ना आपको पीएचडी करनी है, और ना ही आपको किसी के सामने अपनी काबिलियत को प्रेजेंट करना है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट का जो जूस है, जैसे मौसमी का जूस निकालते हैं, किसी भी फल का जूस निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? जितना भी प्योर लिक्विड होता है उसको रख लेते हैं, और जितना भी कूड़ा कचरा बचता है उसको फेंक देते हैं। तो वही करना है हमें। सिर्फ ये समझना है, आप सबको ये समझना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या। हो सकता है आपको ना याद रहे कि एफ डब्ल्यू टेलर ने बोला है, कोई बात नहीं, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का की वर्ड है साइंटिफिक। इसमें इन्होंने एक छोटी सी बात करी थंब रूल की। इन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसका एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। लोगों ने पूछा साइंटिफिक तरीका क्या होता है, तो इन्होंने कहा किसी भी काम को करने का साइंस के द्वारा प्रूफ किया हुआ एक बेस्ट मेथड होना चाहिए, बेस्ट वे होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि जो हमारे वर्कर्स हैं, हमें उन वर्कर्स के ऊपर ज़्यादा निगरानी रखने की ज़रूरत है जो आपने एक बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, जो आपने रेट तैयार कर दिया है, उससे ऊपर भी काम ना करें, उससे कम भी काम ना करें। क्योंकि जो कम काम कर रहे हैं वो तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, उनकी तो एफिशिएंसी ही कम है, और जो ज़्यादा रेट से काम कर रहे हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि जो ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा रेट से काम कर रहे हैं वो आज नहीं तो कल वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएंगे। चंद्रमिया इज सेइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, सी बेटा आई विल ट्राई टू मिक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस, ओके, वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड, बट मोस्ट ऑफ दीज सेशंस आर गोइंग टू बी इन हिंदी ओनली। जो हमारा क्रक्स है वो अभी हम हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश में फिर कभी हम आगे दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास बहुत समय है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितना हाउ मच यू कैन अब्जॉर्ब बोथ हिंदी एंड इंग्लिश यू अब्जॉर्ब। लेटर ऑन आई एम गोइंग टू प्लान सम मोर इफेक्टिव क्लासेस फॉर एथिक्स स्पेसिफिकली फॉर इंग्लिश ऑडियंस ऑल्सो, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट इंजॉय द सेशंस। नाउ ही गेव वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन वी हैव डिस्कस्ड। ही एग्जामिंड एफ डब्ल्यू टेलर, ही एग्जामिंड सम ऑफ द फेलिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ही हैज सीन ए कॉमन टेंडेंसी। उसने देखा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन फेल कर रही है, कोलैप्स कर रही हैं, उन सब में कॉमन स्ट्रीक है, कॉमन टेंडेंसी। और वो टेंडेंसी क्या है कि हमेशा मैनेजर और वर्कर के बीच में एक लड़ाई चल रही है। देयर इज अ कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। और ये लड़ाई किस बात की चल रही है? ये लड़ाई इस बात की चल रही है कि मैनेजर ये कह रहा है कि हम अपने वर्कर को जो पैसा देंगे, जो सैलरी देंगे, जो वेज देंगे, वो जितना देना चाहिए गोपी सती माला, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा पोल कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। लेट मी जस्ट हैव अ क्विक पोल फॉर ऑल ऑफ यू। यू टेल मी व्हाट शुड बी माय लैंग्वेज, शुड आई कंटिन्यू टोटली इन हिंदी, शुड आई यूज हिंदी एंड इंग्लिश और कंप्लीट इंग्लिश, व्हाट इज योर चॉइस? आई विल गो विद द मेजॉरिटी, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी।
डेफिनेटली स्वागत है. आई विल टेक अ सेपरेट सेशन फॉर दैट, डोंट वरी डोंट वरी. विच लैंग्वेज यू ऑल आर गोइंग टू बी मोस्ट कंफर्टेबल विद? इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश और हिंदी. बिकॉज टिल नाउ व्हाट लैंग्वेज वी आर फॉलोइंग इन दीज सेशंस इज मोस्टली हिंदी. समटाइम्स आई एम यूजिंग इंग्लिश. यस एवरीवन. यस राहुल कुमार. सिमर सिविल इंजीनियरिंग. हेलो सर जी, हाउ आर यू? दीपिका अग्रवाल. आई एम फाइन बेटा. मैकेनिकल मार्वल्स भी बहुत सारे बच्चे एक्टिव हो गए हैं. हिमांशु तिवारी, गुड इवनिंग. मोनू शर्मा, मिक्स्ड. ओके, मोनू शर्मा जी कह रहे हैं मिक्स्ड. दीपिका अग्रवाल भी कह रही हैं मिक्स्ड. बाइलिंगुअल, चलो बाइलिंगुअल रखते हैं. सो नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी यूजिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस एक्सचेंजेबली वेयर एवर रिक्वायर्ड. ओके, नाउ व्हाट ही सेड इन मेंटल रेवोल्यूशन, लेट मी जस्ट डिस्कस इट अगेन बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलर इज मेंटल रेवोल्यूशन. He has seen a common tendency between the managers and the workers in most of the failing organization. He has seen that managers are always trying to give low wages to the workers. And what the managers are thinking that they are very smart. But what is the reality? Managers are saying that we are going to give. Managers are saying that we are going to give low wages to the workers. If you have worked for 10 rupees, they are going to give you 8 rupees only, just to take one example. Now, the workers are even more smart than the managers. Workers are saying, okay, you are giving us 8 rupees for a work of 10 rupees. Okay, no problem. Now we are going to work only for 4 rupees. Now workers are actually reducing their production. So what is happening at the end of the day, the conflict between managers and workers is actually leading to low production. Low production means what? Unit cost of production is going to increase. If I ask you to manufacture a bulb, agar main aapse kahun ki bhaiya ek electric bulb bana ke de do, to wo ek electric bulb banane ki cost zyada hogi. Lekin agar aapse main bolu ki nahi 1 lakh electric bulb bana ke do, to 1 lakh electric bulb agar aap banaoge to us 1 lakh electric bulb mein ek bulb ko banane ki jo cost aayegi wo bahut kam hogi. Lekin agar ek single bulb banane ko bolu to wo comparatively bahut zyada hogi. तो जब आपने प्रोडक्शन कम कर दिया तो ऑब्वियसली यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. व्हेन द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस, द मैनेजर्स आर ट्राइंग टू रिड्यूस द क्वालिटी बिकॉज दे वांट टू सेव मनी. नाउ व्हेन द क्वालिटी इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, कंज्यूमर्स आर गोइंग टू बी डिससेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट. दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम. दिस इज नॉट द सोल्यूशन, दिस इज द प्रॉब्लम. So Taylor said, in this current situation, what is happening? Managers are unhappy, workers are unhappy, and at the end of the day, consumers are also unhappy, and that is the reason the organizations are failing. Everybody just tell me in the comment section, are you able to follow this? Now to this situation of a constant conflict between the managers and the workers, this person F.W. Taylor, he gave the concept of mental revolution. He said, actually, managers have to change their mindset towards workers. And at the same time, workers should also change their mindset. Taylor ने कहा कि अगर इस स्थिति से बाहर निकलना है
तो मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों को एक दूसरे के प्रति जो उनकी सोच है, नजरिया है, परसेप्शन है, उसको बदलना होगा। और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही टेलर ने कहा, और इसमें पहला कदम मैनेजर्स को उठाना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर्स ऑब्वियसली वो इतना एनलाइटेड नहीं होते हैं, दबे कुचले होते हैं, एंड दे आर फेसिंग लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज एंड इश्यूज दैट दे कैन नॉट टेक द फर्स्ट स्टेप। हु इज गोइंग टू टेक द फर्स्ट स्टेप? द मैनेजर्स आर सपोज टू टेक द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन। एंड हाउ दे आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट स्टेप? दे हैव टू गिव, मैनेजर्स हैव टू गिव मोर वेजेस टू द वर्कर्स एंड स्पेशली इंसेंटिव बेस्ड। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन वर्कर्स आर गोइंग टू गेट मोर वेजेस इंसेंटिव्स? डेफिनेटली दे विल फील मोटिवेटेड। वर्कर्स आर गोइंग टू बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स द वर्क। व्हेन द वर्कर्स आर गोइंग टू बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स द वर्क, व्हाट विल हैपन? क्या होगा भैया? द प्रोडक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज। एक्स्ट्रा शिफ्ट में भी काम कर करके, रात की शिफ्ट में भी काम कर करके हम ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे वर्कर्स के हिसाब से। सो प्रोडक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज। प्रोडक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज मींस यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गोइंग टू रिड्यूस। यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गोइंग टू रिड्यूस सॉरी यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गोइंग टू रिड्यूस सो नाउ द मैनेजर्स विल बी हैविंग एनफ मनी टू इंप्रूव द क्वालिटी। व्हेन क्वालिटीज आर इंप्रूव्ड, कंज्यूमर इज गोइंग टू बी हैप्पी। नाउ इन दिस मेंटल रिवोल्यूशन, इन दिस न्यू थिंकिंग, मैनेजर्स आर हैप्पी, कंज्यूमर्स आर हैप्पी, एंड द वर्कर्स आर ऑल्सो हैप्पी। दिस सिचुएशन वी आर कॉलिंग एज मेंटल रिवोल्यूशन। Everybody just tell me in the comment section, are you able to follow this? Yes or no? Is it clear to everyone? Just tell me quickly, everybody. Everybody, 100% okay? Any doubts you can ask me. Perfectly clear. Okay, everybody is happy, yes. See, Simmer Civil Engineering 1, 2, 3, 4, I have all the more consolation, peace, sympathy with you. And I hope and pray to the God that God will give you strength to come out of this situation. It is going to be the greatest irreparable loss to you and your family, I can understand. But in this situation, nothing is under control. But I am really very happy from inside to see your temptation, to see your inner strength that is still in this situation. You are ready to do what you must do. One more thing I want to say to you, Simmer Civil Engineering 1, 2, 3, 4, if you have any requirement, anything you want out of me or Team GridUp, we will always be there to help you out. Never feel that you are alone and you are in a troubled situation. We all are with you. You can anytime reach out to me. My name is Ashutosh. On the GridUp app or anywhere you can contact me if you want any help from your studies or related or anything else, I will always be available. Okay, take care, beta. See, playlist is also there, Monu Sharma. Playlist is already available. Okay, Shubhajit, listen. Shubhajit and Chandramia and Gopi Satish Mala. Okay. Please try to understand. You don't ask the fundamental concepts. You do not question the fundamental concepts.
Suppose if you are asking that higher management is not ready to give more money to the workers, then what will the managers will do? They are not going to ask you this situation, my friend. You just need to read this concept. This concept they are going to ask you in the form of questions. Nothing is right and wrong in ethics. Suppose I ask you in this class that whom do you follow? I am just taking one objective example, don't relate it to the religious terms. Suppose I ask you, whom do you follow? You follow Lord Rama or demon Ravan? Everybody will say, yes sir, we follow Lord Rama. Without the religious context, just in terms of what is right and what is wrong. But do you feel anybody who is going to choose Lord Rama as his ideal, do you feel that he is not doing anything wrong? No. In ethics, there is nothing absolute right or wrong. It is all about how the situation is going to demand. Baat samajh mein aa rahi hai ki nahi? Is it clear? Let us see the next thinker. The next thinker after F.W. Taylor is going to be Henry Fayol. If you see Henry Fayol, he also became a very famous management thinker because of the reason, for the first time in the management and administration field, he has given various principles to be followed for any organization to become successful. And out of various principles he have given, the most famous principles are Fayol's 14 principles. Some of the principles which are important and can be asked in your examination that I am going to discuss with you. For example, first one is division of work. Now, what do we mean by division of work? Please try to understand. Most of you must be understanding division of work, but let me give you a more interesting way and approach to understand what is division of work. The first example that you have to see is your family. In your family, everybody is going to have different responsibilities. Your grandparents are going to have a different set of responsibility. Your father is going to have a different set of responsibility. Your mother is going to have a different set of responsibility. Your elder brother, sister, or younger brother, sister, they are going to have a different role in your family. It means within the system of your family, every work is going to be divided among various members as per their suitability, as per their expertise. Let us take another system which is even more efficient and made by God. That system is this body. Now, this body, which you are calling as Ashutosh sir, is actually a physical body. And every single work performed by this body is going to be divided among different subsystems within this system. The thinking part or mental activity is being confined to the brain. The locomotive actions, moving the hands, picking up something, doing something else, it is being conducted by hands. Other movements by your legs. There are certain functions to be performed by your heart, lungs, kidney, and so many other organs in your body. Division of work is there. But when I say division of work, when Fayol is saying division of work, he is talking about an organic division of work. What is the meaning of organic division of work? Organic division of work means, even though your brain has a different responsibility, your eyes have different responsibility, your hands, your you can say heart, lungs, kidneys, every single part of your body has a different set of responsibility, the work is divided, but they all are working in a synchronized manner.
they are working as a single system and they are so operating. Now suppose your head becomes this much large. Do you like that head? Do you like that Ashutosh sir, where head is this much large? No. So everything must be in a balanced proportion and everything must be synchronized. That is why we are calling this division of work as organic division of work. Everybody just tell me in the comment section, are you able to follow this? Second important concept he has given is unity of command. What is this unity of command? Let us try to understand. An organization can be defined in this way. This is going to be the representation of an organization. Now these different triangles, they are representing the various parts of these organization. And various horizontal levels, they are representing the hierarchy. And this is the topmost level. This is the topmost management level. This is the topmost management level. And it is the lowest worker level. Now, Fayol is saying that every single person in the organization must get commands only from one person. What does it mean? If you take this person, this worker in the organization, he should not be getting commands from more than one senior or superordinate. जो बॉस होता है उसको सुपर ऑर्डिनेट भी कहते हैं, इसको बोलेंगे सब ऑर्डिनेट, और इन सबको बोलते हैं बॉस या सुपर ऑर्डिनेट. नाउ फ्योल वॉज सेइंग दैट नॉट इन एनी कंडीशन ए वर्कर शुड गेट कमांड्स फ्रॉम मोर देन वन सीनियर और सुपर ऑर्डिनेट्स. So he is saying no, only one superordinate should give commands to the subordinates. This is extremely important. Are you getting this? Next, some of the important principle I am discussing, there are 14, but I am only discussing important ones. Third principle, you can say, which is very, very important, can come in your examination, Esprit de Corps. Esprit de Corps, this is very unusual word and it can come in your examination directly. You will get a question, which of the following statements is true about Esprit de Corps? So you must know what is the meaning of this statement. The meaning of this statement is that there should be a unified goal of all the members of the organization. Now, what is the meaning of this Esprit de Corps? Let us try to understand. Let me just give you one example. Now, God knows from which college or which university you have completed your studies. God knows which school you have done your schooling part. But whenever you are going to listen or meet somebody who is from your school or college, definitely you will feel a sense of attachment. जहां से आपने हाई स्कूल किया है, जहां से आपने इंटरमीडिएट किया है, जहां से आपने बीटेक किया है, भले ही वो कितना भी अच्छा कॉलेज हो या बुरा कॉलेज हो, बट अगर कोई आपको मिल जाएगा
और वो बोलेगा कि हाँ भाई फला फला जगह से मैंने भी पढ़ाई करी है, मैंने भी बीटेक किया है, इंटरमीडिएट किया है, हाई स्कूल किया है, तो आपको एक अंदर से एक भावना आती है कि मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इस इंसान से कितना किसी रूप से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जो भावना आ रही है, ये जो अटैचमेंट है, दैट सेंस इज स्पिरिट डे कॉप्स। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? ये भावना, ये जो अंदर से ये जो उबाल मार रहा है, जोश, ये जोश बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन में। आर यू गेटिंग दिस एवरीबडी? जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम सक्सेसफुल। आर यू गेटिंग दिस? अरे एमसीक्यू भी होगा, सबसे पहले पहले करने तो दो, अभी तो पहले शुरुआत कर रहे हैं ना, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं। लेट अस फर्स्ट कंप्लीट व्हाट इज द बेसिक मिनिमम रिक्वायर्ड। शुभम झा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ठीक है, देखो एक बात जीवन में हमेशा ध्यान रखना, इतिहास बनाना बच्चों का खेल नहीं है। यूपीएससी क्लियर करना ये इतिहास बनाने के बराबर है, और इतिहास बनाना बच्चों का खेल नहीं है। तो अगर इतिहास बनाना है तो वाकई में बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, और उससे डरना नहीं, तभी इतिहास बना पाओगे, और अदरवाइज इतिहास बन जाओगे तब भूल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हिच इज अ पार्ट ऑफ दिस 14 प्रिंसिपल, एंड दैट इज कॉल्ड एज गैंग प्लैंक। दैट इज कॉल्ड एज गैंग प्लैंक। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड गैंग प्लैंक इज लेवल जंपिंग। व्हाट इज द प्रॉब्लम and what is the solution given by this philosopher, that is level jumping. Please try to understand. The problem is, suppose this is one organization, various hierarchical levels are there, the situation is like this. Now see what is happening. Now, whenever you talk about hierarchy, hierarchy को हम कैसे समझते हैं? Hierarchy का मतलब ये जो different levels हैं किसी भी organization में, इसको हम बोलते हैं hierarchy। किसी भी organization के लिए hierarchy बहुत जरूरी होती है। Hierarchy का मतलब क्या है ये समझते हैं। Suppose इनको कोई समस्या है, इस इंसान को कुछ पीड़ा है, पीड़ित व्यक्ति है, तो ये किससे अपनी पीड़ा जाहिर करेगा? This person is going to have some issue A. Are you getting that? This level, this department, this person has some issues. So whom he is going to report? He will report his boss, superordinate. He will report his superordinate. He will report his superordinate. He will report his superordinate. That is the highest boss. Now the problem this person is having is related to, suppose this person or this department, this can give any information which is required by this department. So what this will do? He will tell to his subordinate. The basic idea is, Peol is saying that in any hierarchical organization, bureaucratic organization, hierarchy is important, but sometimes it takes too much time for the normal works. मतलब जब हम किसी भी bureaucratic organization की हम बात करते हैं तो उसमें जो different levels होते हैं communication के, कई बार वो इतने hard होते हैं कि अगर एक simple सी इस आदमी को इस आदमी से बात करनी है, दोनों एक ही floor पे काम कर रहे हैं, एक ही office में काम कर रहे हैं, बगल में बैठे हुए हैं, but वो आपस में बात करके solve नहीं कर सकते, इनको ये रास्ता follow करने पड़ेगा आपस में अपनी problems को solve करने का, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज को सॉल्व करने का। तो इसका एक सोल्यूशन दिया, बड़ा अच्छा सा एक शॉर्टकट दी
जिसको इन्होंने बोला लेवल जंपिंग और गैंग प्लैंक। इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, काय को इतना ऊपर तक जाना, ये इसको बता दे, ये इसको बता दे, और ये दोनों आपस में बातचीत कर लें। इसको हमने बोला गैंग प्लैंक। दिस इज योर गैंग प्लैंक। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस डायग्राम, दे विल सिंपली आस्क यू गैंग प्लैंक रेफर्स टू। नाउ देयर विल बी फोर ऑप्शंस, वन ऑफ द ऑप्शन इज गोइंग टू बी लेवल जंपिंग, सो यू शुड नो व्हाट इज लेवल जंपिंग, एंड आई होप इफ द क्वेश्चन इज कमिंग यू विल बी इन अ सिचुएशन टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। एवरीबॉडी जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आर यू एबल टू फॉलो दिस? यस, एवरी वन, इज इट क्लियर? लेट अस सी द नेक्स्ट थिंकर। द नेक्स्ट मैनेजमेंट थिंकर और फिलोसोफर इज मैरी पार्कर फोले। एक्चुअली द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज फोले, बट इफ यू गो विद द स्पेलिंग इट इज फोलेट, FOLLET, फोलेट। इन्होंने कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट बातें कही जिनको हम जल्दी से समझ लेते हैं। एक्चुअली ये शी इज अ वुमेन, ओके, ये एक महिला है, और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज मेन, मैटीरियल एंड मैनेजमेंट। और इनकी जो सबसे बड़ी थ्योरी है, नो प्रॉब्लम सामजीत, ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, यू कैन वॉच इट लेटर ऑन ऑल्सो। द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस थिंकर मैरी पार्कर फोले इज दैट शी टॉक्ड अबाउट कंफ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो बात हम कर रहे हैं, ये बात अगर आपको समझ में आ गई, देखो एथिक्स आपको सेलेक्ट भी कराएगा, और सेलेक्ट होने के साथ ही साथ एथिक्स आपको कुछ ऐसी बातें भी जीवन के बारे में समझा के जाएगा जो अगर आपने समझ ली तो सैकड़ों करोड़ों इन लोगों से आपका जो सोचने का स्तर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप एक बहुत अच्छी जिंदगी, एक अच्छा जीवन जिएंगे, एक क्वालिटी लाइफ जिएंगे। और इसको आप अपने नॉर्मल जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द कॉन्सेप्ट गिवन बाय दिस थिंकर, लेडी थिंकर मैरी पार्कर फोले ऑन द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी इक्वली एप्लीकेबल टू योर नॉर्मल लाइफ ऑल्सो। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इवन बियॉन्ड योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। इन्होंने कहा क्या, पहले हिंदी में समझते हैं फिर इंग्लिश में समझेंगे। इन्होंने ये कहा कि ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने कहा कि सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग, ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग फॉर कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 24 घंटे एक ही काम, एक ही मुद्दे पे काम होता है, एक ही मुद्दे पे काम होता है, और वो मुद्दा है कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशंस में जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको हम कम करें। और इन्होंने कहा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस 24 घंटे इसी काम के ऊपर लगी रहती हैं कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट को हम खत्म करें, उन ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इनएफिशिएंसी की बात है। भाई आप ये सोचो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और जो आपका मेन काम है उस काम को छोड़ के आप बेकार के मुद्दों में कॉन्फ्लिक्ट में लग गए,
किसी से आपकी कहा सुनी हो गई, सपोज जो आपका साथी है उसने आपको कुछ बोल दिया, आपने उसको कुछ बोल दिया, आपने अपने सीनियर को कुछ बोल दिया, आपने अपने जूनियर को कुछ बोल दिया, वो आपके बारे में कुछ बोल रहा है, या और इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं, और कुछ मुद्दे हैं। कहने का मतलब ये है, मैरी पार्कर फोले ने कहा कि भाई आप कंफ्लिक्ट को कभी भी पूरी तरीके से जड़ से खत्म नहीं कर सकते, ये ह्यूमन सिस्टम है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स कैन नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर रिमूव कंफ्लिक्ट्स फ्रॉम देयर लाइफ। क्या आप एक ऐसे इंसान, एक ऐसे मनुष्य के जीवन की आप कल्पना कर सकते हैं जिसमें कोई समस्या ही ना हो, जिसमें कोई टकराव ही ना हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं रिलीजियस टर्म्स में नहीं जा रहा हूं, मैं धर्म की बात, आप बोलोगे कि आप हर समय हिंदू धर्म की बात करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज माई पेरेंट रिलीजन इज हिंदू, सो आई एम मोर अवेयर विद दैट, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रिलीजन। भगवान राम को भी 14 साल का वनवास हुआ, भगवान राम को भी वो सब कुछ झेलना पड़ा जो एक आम इंसान को झेलना पड़ता है। तो जब भगवान उससे नहीं बच पाए तो हम तो इंसान हैं। तो इन्होंने एक बेसिक सी बात कही, दैट यू कैन नेवर रिमूव कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, सो द फोकस ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, रादर दे शुड फोकस ऑन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब ये कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है क्या, ये अगर आप समझ गए तो आपकी आने वाली जो शादीशुदा जीवन है वो बहुत अच्छा होने वाला है, स्वर्णिम होने वाला है। भाई सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, शादी तो होगी ना, शादी तो सबकी होती है। आपने देखा होगा कि जो आपके पेरेंट्स के एज के लोग होते हैं, उस जनरेशन के लोग होते हैं, वो जब भी घर के बाहर होते हैं तो बड़ा अच्छा माहौल होता है, सब दोनों हस्बैंड वाइफ साथ साथ रहते हैं, अगर स्कूटर है, बाइक है, या टू व्हीलर है, या नहीं है, या फोर व्हीलर है, बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ बिल्कुल जोड़ा बनाकर चलते हैं। बट जैसे ही घर लौट के वापस आते हैं तो इधर से कुछ फेंकने की आवाज़ आती है, इधर से कुछ बोलने की आवाज़ आती है, और टकरार शुरू हो जाती है। और ये टकरार कॉन्स्टेंट चल रही है पिछले 20-25-30 सालों से, और जब तक दोनों में से कोई एक है तब तक ये टकरार चलती रहती है। ऐसा क्यों होता है? एक पति पत्नी के रिश्ते का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई रिश्ता ही नहीं इस जीवन दुनिया में, इससे बड़ा तो कोई रिश्ता ही नहीं है ना, हस्बैंड वाइफ से बड़ा तो कोई रिश्ता नहीं है, दैट इज द बेसिस ऑफ एनी फैमिली। पति पत्नी के बीच में होता क्या है कि दोनों पति और पत्नी एक दूसरे के लिए कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन में लगे रहते हैं। उनको लगता है, जो लड़का होता है उसको लगता है कि मैं इस लड़की को आइडियल लड़की बना के ही मेरा जीवन, इंग्लिश में भी बताऊंगा गोपी जी भैया थोड़ा धैर्य रखो, लड़के को लगता है कि पहले इसको आइडियल बना दूं तभी मेरा जीवन अच्छे से चलेगा, और जो लड़की है उसको क्या लग रहा है कि ये लड़के को पहले मैं आइडियल बना दूंगी तभी मेरा जीवन अच्छे से चलेगा, और वो आइडियल कभी बन नहीं पाएगा और कभी जीवन में आपकी समस्याएं खत्म नहीं होगी। द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग, एवरीबडी हु इज गोइंग टू मैरिड इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर, यू आर गोइंग टू फेस दिस प्रॉब्लम। Never ever in your life you try to resolve the conflict. Conflicts are never going to be resolved wherever humans are going to be involved. Can you tell me one situation where there is no conflict, no problem? Yes, problems are going to be there. So instead of removing the problems, removing the or resolving the conflicts, you should always focus on conflict management. Kam se kam, what is the bare minimum? वो जो जोड़ तोड़ की सरकार होती है उसमें क्या होता है, देर इज अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। इफ 4-5 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर गोइंग टू मेक अ गवर्नमेंट टुगेदर देन दे हैव अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, योर अपकमिंग मैरिज इज ऑल्सो गोइंग टू बी नथिंग बट अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। इफ यू हैव दैट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दैट इज ओके। भाई 5 साल में 2.5 साल एक मुख्यमंत्री रहा है, 2.5 साल एक आदमी मुख्यमंत्री रहा, तो आपको अपने शादीशुदा जीवन में यही करना है। भाई 24 घंटे में से 12 घंटे एक आदमी चीफ मिनिस्टर रहेगा और 12 घंटे बचे हुए एक दूसरा आदमी चीफ मिनिस्टर रहेगा, दोनों खुश, बढ़िया, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो गया और आप एक सफल शादीशुदा जीवन जी सकते हैं। आर यू गेटिंग दैट? सो मैरी पार्कर फोले बेसिकली
gave one of the important concept of conflict resolution, and she said that all the organization should not focus on conflict resolution, they should focus on conflict management. Is it clear to everyone? Let us see the next thinker. Next thinker is Elton Mayo. Is it clear to everyone? If you see whether you talk about F.W. Taylor, whether you talk about Henry Fayol, or you talk about Mary Parker Foley, all of them, they are called mechanistic model. Mechanistic model. चाहे मैरी पार्कर फोले हो, चाहे फेयोल हो, और चाहे टेलर भाई साहब हो. Now why? What is the reason? Everybody listen carefully. Don't do politics. They are called, and many more, they are called, but Mary Parker Foley was the last thinker up to which we are saying they are following the mechanistic model. Mechanistic model means there is one problem with all of these thinkers and philosophers. Whenever they are talking about organizations, they forget one very important part, that organizations are nothing but systems which are going to deal with human beings. Human beings are not like machines. You cannot think of a human being like a machine. Machine you can switch on, switch off. There is no emotion. But if you want to switch on a person, even if you switch on, he may not work because emotions are there. Are you getting that or not? Your boss is saying that you have to come to office 9 a.m. in the morning, and you cannot leave the office before 7 p.m. in the evening. But internally, you are not ready for this situation. So what you are doing, even though you are reaching the office 9 a.m. in the morning and you are leaving the office 7 p.m. in the morning, but throughout your time in the office, what you are doing? You are spending time on your laptop, mobile, and not doing the exact work. Why? Because you are not motivated. You have some other problems. There is some problem running in your family. So one of the most important mistake done by all these thinkers, whether it is Taylor, Fayol, or Mary Parker Foley, they thought that human beings are like machines in one organization, which is not the case. For the first time in the history of management and administrative thinkers, this person, Elton Mayo, he conducted several experiments and he proved that in any organization, there is a formal and informal element, and he said informal, not actually element, is structure. And he said informal structure is more important than formal structure. I don't know whether all of you are going to be selected in the engineering services, but if any one of you are going to start your own organization, company, or you are going to act as an entrepreneur, agar aap mein se koi apni company kholta hai, doston, zyada tar companies isi reason ki wajah se fail hoti hain. और ये 2017 में जब इंजीनियरिंग सर्विसेज का सैंपल पेपर आया था तो उसमें ये स्टेटमेंट था. इफ यू सी द 2017 यूपीएससी नोटिफिकेशन फॉर सैंपल क्वेश्चंस, दिस स्टेटमेंट वाज एज इट इज प्रेजेंट, एंड दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय एल्टन मेयो. हेनरी फेयोल, एफडब्ल्यू टेलर, मैरी पार्कर फोले एंड मेनी अदर थिंकर्स, दे वर बिलोंगिंग टू द
मैकेनिस्टिक मॉडल. एल्टन मेयो ही वॉज द फर्स्ट थिंकर हु स्टार्टेड ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. What is this human relation approach? Please try to understand. He conducted some of the important tests, or you can say some, and one of those studies was Hawthorne experiment. Hawthorne is the name of a place, and because they were conducted in one organization which is situated in this place called Hawthorne, that is why these experiments are called as Hawthorne experiment. And he performed number of experiments on the workers. You don't need to exactly understand and remember what are the experiments. I will just give you an overview. मैं एक छोटा सा आपको example दे देता हूं उसने क्या किया. जैसे उसने क्या किया, उसने workers को बताया या नहीं बताया वो तो एक अलग बात है. उसने क्या किया कि पहले वर्कर्स जहां काम करते थे वहां पर लाइट बहुत बढ़ा दी, लाइट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दी. एक बार उसने लाइट नॉर्मल रखी, फिर उसने लाइट की इंटेंसिटी बिल्कुल कम कर दी, और उसने ये टेस्ट किया कि क्या वर्कर्स के काम करने की जो रेट है, एफिशिएंसी है, उस पर उस बात का कोई प्रभाव पड़ रहा है. उसने देखा कि हां प्रभाव पड़ रहा है. बात समझ में आ रही है. फिर उसने क्या किया, उसने जो वर्कर्स थे उनसे इंडिविजुअल इंटरव्यू लेना शुरू किया. जैसे वर्कर ने काम किया, काम करने के बाद वर्कर से पूछा, अब उससे बात कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उससे कंपनी के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, उससे हम बात कर रहे हैं उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में. तो उसने एक बहुत बड़ी चीज उसने आइडेंटिफाई करी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनना. अगर समझ गए तो बड़ा मजेदार चीज है. मेयो ने ये कहा कि मैंने दो बड़े कंक्लूजन निकाले. पहला कंक्लूजन ये कि ऑफिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को. पहला कंक्लूजन इन्होंने क्या निकाला, पहला कंक्लूजन इन्होंने निकाला that infrastructure this is related with the performance of the worker. जैसे आप किसी सरकारी पुराने ऑफिस में चले जाइए, उसमें पता चला जो सबसे बड़ा चीफ इंजीनियर जो बैठा हुआ है वो अपनी ही कुर्सी के बगल में जो डस्टबिन है उसमें बढ़िया सा पान से उसने एक पान थूक थूक के उसने एक बहुत अच्छी नक्काशी बना रखी है. तो ये जो गंदा संदा सा माहौल है, क्या वहां काम करने का मन करेगा, नहीं मन करेगा. लेकिन अगर आपका एक अच्छा सा ऑफिस है, सुंदर सा ऑफिस बना हुआ है, बढ़िया एयर कंडीशन है, बढ़िया सी चेयर है आपकी, बढ़िया सी टेबल है, एक पर्सनल आपको उसने कंप्यूटर दे दिया, लैपटॉप दे दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है. ये इनका पहला कंक्लूजन था. दूसरा इनका बड़ा कंक्लूजन था, इन्होंने जब वर्कर से बात करी तो इन्होंने देखा कि जब भी वर्कर से हम उसकी पर्सनल बातें करते हैं, उसकी फैमिली के बारे में बातें करते हैं, तो वर्कर बहुत इमोशनल हो जाता है और खुल के बात करता है. लेकिन जब हम कंपनी के बारे में छोटा सा भी उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वो खुल के बात नहीं करता, उसके मन में एक डर है. तो मेयो ने एक बहुत बड़ा कंक्लूजन दिया. इन्होंने कहा कि जो वर्कर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो एम्प्लॉइज होते हैं, दे आर ड्रिवन बाय इमोशंस. जो वर्कर काम करने आया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया कि कंपनी 100 करोड़ के लॉस में है. उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि उसके घर में जो समस्या चल रही है वो कैसे सुलझेगी. बात समझ में आ रही है कि नहीं. दिस इज इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. अभी आपको लग रहा होगा ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें इन्होंने कौन सा बहुत बड़ा तोप दाग दिया. उनके टाइम पर जब पहली बार एल्टन मेयो ने बात करी थी, उस समय पहली बार ये बात करना ये बहुत बड़ी बात थी. आज तो हम लोग आसानी से ये बात कर सकते हैं.
तो बेसिकली इन्होंने ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है उसकी इन्होंने बात करी, और कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्मल स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसकी इन्होंने बात करी। एवरीबडी जस्ट टेल मी आर एबल टू फॉलो दिस, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। कैन वी गो टू द नेक्स्ट एंकर? यस एवरीबडी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बेटा, आर यू एबल टू फॉलो दिस? समझ में आ गया? परफेक्ट। द नेक्स्ट थिंकर इज हर्बर्ट साइमन। इनके बारे में कुछ छोटी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको कर लेते हैं। ओके, हर्बर्ट साइमन, आई थिंक इट इज द फोर्थ वन, सॉरी इट इज द फिफ्थ वन। हर्बर्ट साइमन, इससे पहले कि हम हर्बर्ट साइमन जी के बारे में बात करें, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस इंसान को बहुत इज्जत भरी नजरों से देखिए, बहुत सम्मान भरी नजरों से देखिए, क्योंकि आप दुनिया में कोई भी डिसीजन मेकिंग का मॉडल उठा लीजिए, ठीक है, आप दुनिया में कोई भी डिसीजन मेकिंग का मॉडल उठा लीजिए किसी भी सिस्टम में किसी भी सब्जेक्ट पर, ये वो पहले इंसान है जिन्होंने ये बताया था कि डिसीजन कैसे लेना है। हर्बर्ट साइमन इज द फर्स्ट पर्सन टू गिव ए कंक्रीट एंड फाउंडेशनल एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग व्हिच इज फॉलोड इवन टुडे, एंड सम पीपल आर गोइंग टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ प्लस एंड माइनस सम चेंजेस, बट एट द कोर ऑफ इट जो थीम है वो थीम कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग की हर्बर्ट साइमन जी से ही ली हुई है। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू फैक्ट थ्योरी की। इन्होंने जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट दिया वैल्यू और फैक्ट। वैल्यू और फैक्ट है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। ही सेड वैल्यू इज समथिंग विच इज नॉट ऑब्जेक्टिव। एंड फैक्ट इज विच इज प्योरली ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने आपसे पूछा कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये पिक्चर आपको कैसी लगती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं इसको बहुत ही हल्के अंदाज में करने की कोशिश कर रहा हूं बट बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये पिक्चर आपको कैसी लगती है, तो आपने बोला ये पिक्चर मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने पूछा कितनी अच्छी लगती है, अब ये आप नहीं बता पाओगे। आप कहोगे मुझे अच्छी लगती है, कम अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, उससे अच्छी लगती है, तुमसे अच्छी लगती है, इनसे ज्यादा अच्छी लगती है। बट मैं तुमसे पूछूं कि मीजर करके बताओ कितनी अच्छी लगती है, तो बता नहीं पाओगे कभी, क्योंकि ये वैल्यू है, इंपॉर्टेंस अटैच टू समथिंग। यू कैन नॉट मीजर इट, यू कैन नॉट टेल मी ऑब्जेक्टिव आइडिया अबाउट इट। नाउ लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। मैं आपसे पूछूं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये आपने जीवन में कितनी बार पिक्चर देखी है, तो आप कहोगे 101 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आपने आंसर दिया वो क्या है, वो है फैक्ट। आपने मुझे बता दिया 101 बार दिया है, तो इसके बाद मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा नहीं, बात खत्म हो गई, ऑब्जेक्टिव बात है भाई। कितने लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? लेट मी जस्ट स्पीक द सेम थिंग इन द इंग्लिश। वैल्यू इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव, वैल्यू इज गोइंग टू बी समथिंग विच यू कैन नॉट मीजर। If I ask you how many times you have seen this movie, Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, then you can say, yes sir, 101 time. Then it is going to be the fact. This is a fact. But suppose I ask you,
हाउ मच यू लाइक दिस मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देन यू विल से आई लाइक इट वेरी मच, बट कैन यू मेजर वेरी मच लाइक? नो. सो दैट इज अ वैल्यू. इंपॉर्टेंस अटैच टू समथिंग इज अ वैल्यू विच कैन नॉट बी मेजर्ड, विच इज नॉट ऑब्जेक्टिव. नाउ साइमन सेड, साइमन जी ने कहा कि हम जीवन में जो भी डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन के दो पार्ट होते हैं. एक होता है जो सब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, दैट इज वैल्यू, और एक होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है. इन्होंने कहा जिसको हम वैल्यू कहते हैं वो अगेन वैल्यू और फैक्ट में डिवाइडेड होता है, और जिसको हम फैक्ट कहते हैं वो भी अगेन वैल्यू और फैक्ट में डिवाइडेड होता है, और ये प्रोसेस अनएंडिंग है, ये प्रोसेस चलता जाता है, ये प्रोसेस चलता जाता है, दिस प्रोसेस इज अनएंडिंग. अब आप कहोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? एक बार आपने पूछा कि सर कितनी बार पिक्चर देखी, तो हमने बता दिया 101 बार. अब मैं अपना क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है. आई एम आस्किंग यू अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन. आई एम आस्किंग यू हाउ मच शुगर, ये आप कितना चीनी लोगे अपनी चाय में? तो आपने बोला 2 spoons. Yes. Now you will say, sir, this is objective, this is fact. But my friend, this is again divided into value and fact. Why? I can change the size of the spoon, and I can also change the size of the sugar cube, and I can also change the sweetness of that sugar. It is in your hand, na? नहीं बात समझ में आई? नहीं बात समझ में आई, जल्दी से बताओ समझ में आई कि नहीं आई. वॉट यू आर थिंकिंग एज ऑब्जेक्टिव इज एक्चुअली नॉट ऑब्जेक्टिव, इट इज अगेन गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ सब्जेक्टिव, लिटिल बिट ऑफ ऑब्जेक्टिव, लिटिल बिट ऑफ वैल्यू, लिटिल बिट ऑफ फैक्ट. आर यू गेटिंग दिस? एंड नाउ Simon said this is the main reason why most of the people are not able to take a decision. Simon ne kaha yahi wo karan hai jis wajah se bahut sare log jeevan mein nirnay nahi le pate. To logon ne pucha ki bhai kaise decision liya jaye, to inhone ek decision making ka model diya. Jo decision making model inhone diya usme inhone मेनली तीन बातें कही जिसको बाद में बहुत सारे पार्ट्स में लोगों ने डिवाइड कर दिया, बट मेन मुद्दा वही है. दिस डिसीजन मेकिंग मॉडल इज आईडीसी. व्हाट इज आईडीसी? आई मींस इंटेलिजेंस. Then design, and then choice. अब इसको बहुत आसानी से समझते हैं, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, और कैसा भी डिसीजन मेकिंग का मॉडल वो आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, अगर आपके पास इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो वो आप आंसर कर ही ले जाओगे. इंटेलिजेंस में इन्होंने कहा कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को समझिए. अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप. अब कैसे आपके एग्जाम में ये आपको हेल्प करेगा इसको समझ लेते हैं. हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम प्रिपरेशन. मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग दैट सर वी आर नॉट एबल टू गेट रिजल्ट्स, वी आर रीडिंग अ लॉट बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट. माय फ्रेंड, यू आर डूइंग हार्ड वर्क इन अ रॉन्ग डायरेक्शन और वट एवर इज द रीजन. ओनली यू कैन टेल मी वट इज द प्रॉब्लम. भाई तुम्हारे शरीर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर तुमसे पूछ रहा है ना पहले,
पहले तो अपना हाल तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि सर में दर्द है कि पैर में दर्द है कि पेट में दर्द है। द फर्स्ट थिंग फॉर टेकिंग एनी डिसीजन इन योर लाइफ इज दैट यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम हाउ यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन। द फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। वंस यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम द सेकेंड थिंग इज डिजाइन। डिजाइन मीन्स वॉट? Look for possible viable solutions. If you have understood what is the problem, now you search what are the various solutions possible for this problem. This is called design. Third is choice. Choice means choose the best solution and follow it. These are the three different stages of decision making, and this is first time when a decision making concrete model was given by any thinker, and that was Herbert Simon. And whatever decision making model he has given, it is still followed in whatever way you can understand in any system, any subject, any country. Only this model is being followed. There is no other fundamental good model than this, because it is very basic na. Everybody just tell me in the comment section, are you able to follow this? Okay, I think it is enough time. Let us stop here because it is going beyond our scheduled time too much. So let us stop here everybody, and we are going to connect in the next session. I have some more topics to be covered in this Philosophers and Thinkers, Western also and Indian also, that we'll see in the next lecture. No problem. So before I conclude the session, some important points I want to mention. Two important batches are going to be started on Grade Up. One is Vision 2023, which is a long-term batch. It is specifically for second year and third year students. These are the exact details. For any confusion, you can contact this number. This Excel 2022 is going to be the first weekend batch launched by Team Grade Up. And if you are not able to attend the classes Monday to Friday, definitely you can go for this course and it is going to help you. This is about the results we have produced in the GATE 2021, more than 10 ranks in the top 10. This is about GATE Up Super, all the structured live courses in the green card. For any further confusion, you can contact this number. All these things you are getting under the Grade Up Super subscription. So that's all. Thank you so much for joining me live in the session. I hope it has been an entertaining session for you, and you must have got a lot of understanding for this particular subject. Aur dosto, main aasha karta hoon ki aap ethics ki in sessions ko agar follow kar rahe hain, to main aasha karta hoon कि जब हम इसको ख़त्म करेंगे इस सीरीज़ को, इसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की भी एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, और भी जहाँ जहाँ आपको जैसे रिक्वायरमेंट है वो सारी सीरीज़ भी हम शुरुआत करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको एथिक्स कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा, किसी किताब से नहीं, किसी बुक से नहीं, किताब और बुक तो एक ही चीज़ हो गई, किसी इंटरनेट से नहीं, कहीं और से नहीं। जितना हम बात करेंगे इतना पढ़ लिया, मोर देन सफिशेंट, मुस्कुराते हुए एग्ज़ाम देने जाएंगे और बहुत अच्छा पेपर होगा, ठीक है। So thank you so much all of you, take care of yourself. One more time, all the candidates who are watching me even in the recorded form on various YouTube channels of the Grade Up, do not forget to like, share and subscribe. This is the only motivation I am getting from your side. That's it. Thank you so much. Grade Up ke saath sahi prep hai to life set hai. Thank you so much. Thank you all of you.